हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जिसके हमारा टॉपिक क्या होगा, सम ऑफ एपी सीरीज, यानी कि जो हमें एपी सीरीज गिवन होती है उसका सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1d ब्रैकेट 1। ये क्या है, एस एन है, यानी कि सम ऑफ एपी सीरीज। SN का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस में l। यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से हमारा मीनिंग है an है। an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में n-1 d। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन गिवन है 2, 7, 12 and 2, 10 टर्म्स। हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है कि इस टाइप की सीरीज जो 2, 7, 12, 17 इस टाइप से सीरीज चलती हो और उसके अंदर 10 क्या हो, नंबर हो, तो उनका सम कितना आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो हमारा पहले नंबर पे क्या 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, d निकालने का फार्मूला क्या है, a2 - a1 यानी कि 7 - 2 कितना आ गया, 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और n कितना है, लास्ट n कितना हमारे पास, 10 है। हमें एस एन निकालने में इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, एस एन निकालना है, कहाँ तक निकालना है, n की वैल्यू कितनी, 10 है, 10 तक निकालना है। तो S10 फार्मूला क्या है हमारा, an/2 है, n/2 यानी कि 10/2 आ जाएगा। उसके बाद 2a, 2 × में a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 प्लस में n कितना, 10 था, 10 - 1 d की वैल्यू कितनी आया है हमारे पास, 5 × 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से ये वाली वैल्यू कैंसिल कर दो, 2 × 5 = 10 हो गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 = कितना होता है, 4 प्लस में 10 में से 1 = 9, 9 × 5 = 45, 5 ये आ जाएगा 49। इसको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, कितनी वैल्यू बनती है, 2, 4, 5। हमारे फर्स्ट 10 टर्म का जो सम आएगा एपी सीरीज में कितना आएगा, 245 आएगा। इस टाइप से आप कोई भी सीरीज का सम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके एक सीरीज की 1, 3, 5, 7, 9 और ये आपके 20 टर्म्स का सम निकालना हो, कितने टर्म्स का निकालना हो, 20 का, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1 है। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डी के फार्मूला क्या होता है, a2 - a1 यानी कि d2 कितना आ जाए, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और n कितना है हमारे पास, 20 है। तो हम ये फार्मूला यूज करके, ठीक है, s n का फार्मूला यूज करके हम एपी ये जो सीरीज है उसका सम निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, 7 + 10 ⅓ + 14 और प्लस में 84। इस टाइप से ये चले और ये जो 84 है वो क्या है, हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 7 + 10⅓ + 14 + और लास्ट टर्म क्या है हमारी, 84 है। ठीक है, L यानी कि 84 क्या है हमारा, L है। A की वैल्यू कितनी है, 7 है। डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 - a1 यानी कि 10 ⅓ - 7। डी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सोल्व किया, 21/2 आ जाएगा, माइनस के 7/1, इसका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ जाएगा, 14 कितनी वैल्यू बन जाएगी, 7/2। डी की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका एसएन निकालना है और हमें लास्ट टर्म पता है। SN का एक और फार्मूला बताया था आपको, क्या है, जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन हो, क्या होता है, SN = n/2 a + l। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, n निकालनी है वैल्यू, SN n/2 a + l SN हमें पता नहीं कितना है, तो हम SN नहीं लिखेंगे, n/2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
ए की वैल्यू 7 है, 7 प्लस में एल कितना है हमारे पास 84 है, ठीक है। एस एन एन बाय 2 यहाँ पे 91, इसको क्या ले सकते हैं हम 91 एन बाय में 2। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लास्ट टर्म पता है 84 है, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। l यानी कि लास्ट टर्म क्या होती है, an होती है, an को हम l भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 डी। an कितना है 84 है, 84 a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 थी, प्लस में n हमने निकालना है n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7 बाई 2 है। 84 ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 n बाई में 2 माइनस में 7 बाई 2। 84 में से 7 के कितना बचता है 77, n 7 n बाई 2 माइनस के 7 बाई 2, ये माइनस का है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या वैल्यू बनेगी 77 प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू 7 एन बाई में 2। इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 154 प्लस में 7 इक्वल टू 7 एन बाई में 2। इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनती है 161 बाय में 2 इक्वल है 7 एन बाय में 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने में जाएगा 7 2 जा 7 3 जा यानी कि 23, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23 आ गई। अब ये जो n की वैल्यू है 23 वो हम कहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एस एन आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करेंगे एन 23 इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई में 23 बाय में 2 एस 23, कितनी वैल्यू बनेगी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 जा 23 वन जा 23 टू कैरी, 23 नाइन जा 207 और टू 209 बाय में 2, ये इतना सम आएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर ना तो हमें एन पता है, हमें क्या पता है ए पता है, डी हमने फाइंड कर लिया, लास्ट टर्म कितनी है 84 है, हमें एन नहीं पता कि कितना है, तो क्या करेंगे हम एस एन निकालना है हमने इसका, एल कितना है हमारे पास 84 है, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू कितनी है 7 बाई 2, ए 2 माइनस में ए 1 करके 7 बाई 2 आ जाएगा। पहले हम एस एन का फार्मूला लिख लेंगे, एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस में एल, और यहाँ पे हमें एन नहीं पता है तो जो वैल्यू हमें पता है वो पहले हम पुट कर लेंगे, हमने जो वैल्यू पता थी वो हमने पुट कर ली, एन बाई 2 7 प्लस में 84, ठीक है, एन बाई 2 91 आ गया, 91 एन बाई 2 आ गया, यहाँ तक ये वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट टर्म हमें पता थी 84 है इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 7, 7 प्लस में एन माइनस 1 7 बाई 2, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, 77 इक्वल टू 7 बाई 2 माइनस 7 बाई 2 आ गया। इसका एलसीएम सोल्व किया तब कितनी वैल्यू आ गई 154 प्लस में 7 बाई 2 7 एन बाई 2, इसको कैंसिल आउट किया हमने, कैंसिल आउट करके क्या एन की वैल्यू कितनी आती है 23। अब ये जो एन की वैल्यू 23 है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2093 बाई में 2। ओके, थैंक यू।